रबर है क्या? है तो आवाज जा रहे हैं ना, देखिए तो यहाँ से कैच कर रहा है कि नहीं। हेलो, देखिए भाई आपका एविडेंस में पढ़ा जा रहा था अध्याय 11, यानी कि इसके बाद से देखिए कुछ आप यहाँ फंसा, देखिए तो फंसा क्या इधर, रुकिए रुकिए इधर से, हाँ देख लीजिए एक बार तो सब, तब से रुकिएगा भाई, ये भी एक समस्या है। देखिए कार्ड शो नहीं कर रहा था, देखिए तो आ रहा है ना। देखिए एविडेंस में आपका चल रहा था सेक्स अध्याय 11, इसके बारे में फिर एक बार भूमिका बांध दिया जाए और तब आपका इसको पढ़ाया जाए। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन रहा है वर्तमान में, यानी कि उत्तराखंड तो लगातार यहाँ से क्वेश्चन बना रहा है। यूपी एपीओ में भी आपका प्री में तो आता ही था, अब मेंस में भी क्वेश्चन बन रहा है। तो आपको बता दिया जाए भाई, मेंस के बैच के बारे में आपका ये बिहार एपीओ के बाद, यानी कि आपका 7 फरवरी के बाद 10 या 11 फरवरी से बिहार मेंस के लिए आपका स्पेशल बैच चलेगा, क्योंकि इधर आपका पहली वरीयता ये होनी चाहिए जो लोग मैंने दे रहे हैं परीक्षा, कि पहले अब पूरी ताकत ये लगाना है कि किसी भी हाल में प्री न रुके, क्योंकि भाई 550 से अधिक सीटें भी हैं और प्री में भी ज़्यादा लोग निकलेंगे, तो अगर थोड़ा कम भी क्वेश्चन करेंगे तो पूरा चांस रहेगा, इसमें शक नहीं है। लेकिन आप एक माह में इतना तैयार कर लीजिए कि आपका कहीं से भी आए कम से कम क्वालिफाई होने की स्थिति में हो, और आपका एविडेंस चल ही रहा है। जिन लोगों का छूटा है भाई, जो लोग नए आए हैं उनको सिस्टम से जोड़ दिया जाएगा और आप कुछ वीडियो दे आपको देख कर पढ़िए, यानी कि आपका जिन मैंने जिनको ऐड नहीं किया गया है, आगे बैठिए हो, हाँ है तो जगह, कोई बैठा तो नहीं ना इधर अभी, एक लोग, चलिए देखिए भाई आपका ये आपको मैंने ऑनलाइन से जोड़ दिया जाएगा और आप कह सक बैठिए, तीन लोग बैठ जाए बड़े पर, हाँ ऑनलाइन से आपको जोड़ा जाएगा और कुछ 10-15 एविडेंस में वीडियो देखकर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि भाई समय कम है। अभी आपका सीआरपीसी आपका मैंने एक सब्जेक्ट नया संविधान पहले लगाना है, और आईपीसी तो सब लोग कुछ न कुछ जानते रहते हैं, तो थोड़ा स्पीड में भी आईपीसी लास्ट में चल जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता दूं। लेकिन आपका संविधान में जो क्वेश्चन आपका बिहार जे ने बनाया है उसको देखते हुए तो भाई आपका सभी लोग डर गए हैं, यानी कि जो खूब संविधान जानते थे वो भी डर गए हैं। 30-34 क्वेश्चन बना दिया जीएस और ला मिलाकर, और ऐसा ऐसा बनाया घुमा घुमा के और खोज खोज के अनुच्छेद बनाया। तो भाई प्रयास ये करना है कि संविधान अब एक दो दिन में लगा दिया जाए, एविडेंस जैसे समाप्त हो फिर सीआरपीसी को भी रन कराया जाए। तो आज केवल एविडेंस ही चलेगा, आपका प्रयास करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा खींचने का। देखिए आपका सीआरपीसी की धारा 167, यहाँ से मॉडल पहले देख लिया जाए और तब इस धारा को बैरेक से शुरू किया जाए। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि एविडेंस का कौन सा अध्याय है जो सबसे छोटा है, यानी कि स्मॉल है सबसे, ये उत्तराखंड का मॉडल है, तो कौन सा अध्याय आपका जवाब रहेगा 11, और इसमें कितनी धाराएं हैं तो आपका जवाब रहेगा केवल एक धारा, कौन सी, 167। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है नया कि साक्ष्य अधिनियम का सबसे बड़ा अध्याय कौन है, तो अध्याय 2 मारिएगा, धारा 5 से लेकर कहाँ तक, 55 तक।
तीसरा क्वेश्चन जो उत्तराखंड और यूपी प्री में बना है गलत ना हो। साक्ष्य के अनुचित ग्रहण और अग्रहण का प्रभाव किस धारा में दिया गया है, यानी कि साक्ष्य को अगर गलत तरीके से स्वीकार कर लिया गया या गलत तरीके से स्वीकार करने से इनकार कर दिया गया तो इसका इफेक्ट क्या होगा, इसका प्रभाव क्या होगा, उस प्रभाव का ही उल्लेख किस धारा में दिया गया है 167। अगला क्वेश्चन आपका बन सकता है कि साक्ष्य नियम में रिमांड कहाँ है, अर्थात प्रतिप्रेषण कहाँ दिया गया है। प्रतिप्रेषण का मतलब पुनः वापस करना, तो मैं कोरिलेट करके लिखवाया था रिमांड कहाँ है एविडेंस में 167, ये अब तक कहीं बना नहीं है। और बिहार आपका आयोग खोज खोज के क्वेश्चन बनाते हैं, तो ये क्वेश्चन आपका बन सकता है कि रिमांड कहाँ है साक्ष्य नियम में, क्या जवाब रहेगा 167। अब आइए साक्ष्य के अनुचित ग्रहण और अग्रहण का क्या इफेक्ट होगा, इसको देखिए भाई। साक्ष्य का पहले सब समझिए, अनुचित ग्रहण और दूसरा है अनुचित आपका माने अग्रहण। ग्रहण अनुचित ग्रहण का पहले मतलब समझिए, जो साक्ष्य न्यायालय स्वीकार नहीं कर सकता था उस साक्ष्य को निचले न्यायालय ने स्वीकार कर लिया। और अनुचित अग्रहण का मतलब ये हुआ कि जिस साक्ष्य को निचले न्यायालय को स्वीकार करना चाहिए उसको स्वीकार करने से क्या कर दिया, इनकार। फिर एक बार समझिए शब्द, अनुचित ग्रहण का मतलब ये हुआ कि निचले न्यायालय ने जो साक्ष्य स्वीकार करना चाहिए उस साक्ष्य को स्वीकार करने से ही इनकार कर दिया, एक्सेप्ट ही नहीं किया। और अनुचित अग्रहण का मतलब ये हुआ कि जिस साक्ष्य को स्वीकार नहीं करना चाहिए उसी को निचले न्यायालय ने क्या किया है, स्वीकार, और फैसला सुना दिया। तो इसका प्रभाव क्या होगा, तो कानून ये कहता है 167 कि इसका प्रभाव आपका बताता है कि क्या इसके प्रभाव के कारण जो निचले न्यायालय ने डिक्री आदेश या निर्णय दंडादेश इत्यादि पारित किया है क्या वह उल्टा जाएगा कि नहीं उल्टा जाएगा। तो इसके लिए आपका एक ही नियम है और वह नियम देखिए, उसी नियम के आधार पर पूरा बैरक चलेगा। आइए साक्ष्य देखा जाए भाई, मान लीजिए अनुचित ग्रहण साक्ष्य एक तराजू पर रख दीजिए और अन्य साक्ष्य अलग तराजू पर। फिर एक बार, जो अनुचित रूप से साक्ष्य को स्वीकार किया गया है उसको हम क्या कर रहे हैं, अलग, और जो अन्य साक्ष्य मौजूद है न्यायालय में उसको हम क्या कर रहे हैं, अलग। अब यही पैमाना है, अब ये देखा जाएगा कि क्या अगर अनुचित रूप से ग्रहण किए गए साक्ष्य को हटा दिया जाए और जो ये अन्य साक्ष्य बचते हैं क्या इस आधार पर निर्णय सही माना जाता, अगर माना जाता तो अनुचित ग्रहण का कोई प्रभाव निर्णय पर नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये अनुचित रूप से साक्ष्य को स्वीकार किया गया अगर स्वीकार नहीं किया जाता तो निर्णय पर क्या प्रभाव पड़ता, तो क्या निर्णय वही आता, अर्थात क्या अन्य साक्ष्य इतने थे कि वादी के पक्ष में निर्णय आ जाता, तो कुछ आपका साक्ष्य गलत तरीके से स्वीकार कर लिए गए हैं तो उसका कोई प्रभाव निर्णय पर या डिक्री पर या दंडादेश पर नहीं पड़ेगा। लेकिन लगाना है, अन्य साक्ष्य हैं और ये गलत तरीके से स्वीकार साक्ष्य हैं, अगर ये स्वीकार साक्ष्य को हटा दिया जाए तो निर्णय कुछ और आता, यानी कि इसका मतलब ये हुआ
गलत तरीके से साक्ष्य को स्वीकार किया गया। निर्णय मुख्य रूप से उसी साक्ष्य पर क्या है आधारित। तब तो भाई अपील या रिवीजन न्यायालय निर्णय को क्या करेगा, उलट देगा और निचले न्यायालय को फिर वापस करेगा मामला कि जो साक्ष्य आपने गलत तरीके से क्या किया था स्वीकार, उसको बाहर करिए और पुनः निर्णय सुनाइए। तो निचले न्यायालय को मामला वापस कर दिया जाए और कहा जाए कि फिर से सुनवाई करके निर्णय सुनाइए। इसी को लीगल भाषा में प्रतिप्रेषण या हम क्या कहते हैं रिमांड। याद रखिए ये अनुचित ग्रहण पर बताया गया। अब अनुचित अग्रहण पर देखिए, अनुचित अग्रहण का मतलब ये हुआ कि जो साक्ष्य स्वीकार किया जाना चाहिए उसे स्वीकार किया गया कि नहीं किया गया, नहीं किया गया, और अन्य साक्ष्य हैं, निर्णय सुना दिया गया। अब देखिए अगर जो साक्ष्य स्वीकार नहीं किया गया है, अगर वह साक्ष्य स्वीकार कर लिया जाता तो निर्णय कुछ और होता, यानी कि ऐसा निर्णय नहीं आता, तब तो भाई महत्वपूर्ण गलती है और आपका निर्णय को उलट दिया जाएगा और उलट के पुनः साक्ष्य को स्वीकार करिए और पुनः निर्णय सुनाइए। ये किसको वापस कर दिया जाएगा, निचले न्यायालय को। और यदि जो साक्ष्य अस्वीकार किया गया है अगर उसको स्वीकार भी कर लिया जाता तो निर्णय पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता, तब तो सब कुछ सही माना जाएगा और अनुचित अग्रहण का प्रभाव आपका जीरो होगा, कोई मतलब नहीं होगा। वैसे भाई देखिए आपका आधा घंटा समझाने में लगता है। अब समस्या यह है कि भाई प्री भी निकालना है, मेंस के लिए अलग से समझाया जाएगा, लेकिन भले ये समझ में आया हो या न आया हो, जो चार पांच बातें हमने शुरुआती दौर में बताई प्री के लिए वो रट्टा मार कर जाना है। आइए अब बैक हो जाए, थोड़ा आपका सह अपराधी छूटा है वो देखा जाए। 133 एक क्वेश्चन एक कॉम्प्लेक्स या सह अपराधी से भी आता है, केस सहित याद रखिएगा। 133 धारा निकाल लीजिए भाई। देखिए पहला क्वेश्चन एक एक करके निपटाया जाए। जब भी सह अपराधी पढ़िए तो थोड़ा इसकी दायरा भी समझ लीजिए, एक एक धारा को निपटाया जाए जो छूटी है धाराएं भाई। सह अपराधी के बारे में एक क्वेश्चन बनने का पूरा चांस रहता है। जब भी आप, मैं बता दूं, सह अपराधी या एक कॉम्प्लिक्स पढ़िए तो कौन कौन सी एविडेंस की धारा पढ़नी है ये पहले कवर किया जाए। धारा 133 पढ़िएगा, फिर धारा 156 पढ़िएगा। कौन सी धारा? 156 का दृष्टांत पढ़ना है। 156 का कौन सा दृष्टांत? फिर आपका धारा 114 का दृष्टांत पढ़ना है, दृष्टांत नंबर बी पढ़ना है, और फिर आपका 134 पढ़ना है। यानी कि साक्ष्य नियम की कम से कम कितनी धाराएं आपको पढ़नी पड़ेगी, तो आपका कह सकते हैं कि ये इसके बाद साक्ष्य नियम की धारा 24 हम पढ़ाएंगे, यानी कि साक्ष्य नियम की कौन सी धारा 24। अगला देखिए भाई, सीआरपीसी में भी आपको पढ़ना पड़ेगा और सीआरपीसी की धारा 306, 307, 308 ये तीन धाराएं, और इसके बाद 316, यानी कि सीआरपीसी में भी पढ़ना पड़ेगा। सह अपराधी के बारे में प्रावधान है एक कम्प्लिस, कहाँ कहाँ? 306 अभी झारखंड में भी आया था, 306, 307, 308 और 316। आइए भाई समझिए इसको थोड़ा, सह अपराधी होता क्या है, थोड़ा अच्छे से इसको जानने का प्रयास करिए। देखिए एक उदाहरण से पहले कॉन्सेप्ट बना लीजिए, लेकिन सह अपराधी के बारे में आपका क्या पूछा जाता है क्या नहीं ये दिमाग में बैठाइए, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बना है, मैं फिर बता दूँ। देखिए जो ए कॉम्प्लेक्स सह अपराधी, सह अपराधी का मतलब कि
साथ साथ अपराध करने वाले। साथ साथ अपराध करने वाले का मतलब हुआ अपराध में साझीदार, साझीदार का मतलब ये हुआ कि अपराध में भागीदार। अर्थात जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी अपराध में शामिल रहते हैं और आशय के साथ रहते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण अटैकिंग है वह उनका क्या रहता है, इंटेंशन। फिर एक बार समझिए, सह अपराधी, सह अपराधी को परिभाषित नहीं किया गया है न ही साक्ष्य अधिनियम में। पूछ सकता है क्वेश्चन, ऐसा यूपी मॉडल बनाया है दो तीन, कि सह अपराधी को कहां परिभाषित किया गया है, तो आपका जवाब रहेगा कहीं परिभाषित नहीं किया गया है। तो एक अपनी हम परिभाषा बना रहे हैं, सह अपराधी जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपका किसी अपराध में भागीदार, साझीदार या अपराध में सम्मिलित रहते हैं। लेकिन अपराध में सम्मिलित जब रहते हैं तो उनका इंटेंशन होता है कि नहीं शामिल होने का, होता है। अगर कोई व्यक्ति अपराध में शामिल है लेकिन उसका आशय नहीं है तो वह सह अपराधी या एकम्प्लिक्स नहीं कहा जाएगा। तो आइए एक उदाहरण देखा जाए जिसमें शामिल करा दीजिए और एक उदाहरण जिसमें कि क्या करा दीजिए बाहर। मान लीजिए एक पुलिस वाला है, वह जाकर डकैतों के ग्रुप में शामिल हो जाता है और इरादा ये है कि एक दो बार हम भी डकैती करेंगे और मौका पाते ही अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करेंगे और सारे डकैतों को रंगे हाथ क्या करेंगे, पकड़वा देंगे। आ रहे हो, एक सेकंड। तो ऐसी दशा में आप लोग बताइए, क्या पुलिस वाले का इरादा अपराध करने का होता है कि अपराध को उजागर करने का? तो ये सब अपराधी माना जाएगा कि नहीं? क्यों क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि इसका अपराध तो किया लेकिन इसका आशय अपराध करने का। अब इसी में पूछा जाता है यूपीजे और एपीओ में लिस्ट कि कौन सा अपराधी है और कौन नहीं है। तो बताइए, दुराचार की शिकार महिला सा अपराधी नहीं है। जो आपका जासूस होते हैं, जो जाकर रिश्वत कोई अधिकारी मांगा और पुलिस को सूचना दी और रंगे हाथों क्या करते हैं, हाथ डुबा देते हैं पानी में, वो भी सह अपराधी नहीं है। लेकिन वेश्या सह अपराधी है क्योंकि वह अपराध में आशय के क्या रहती हैं, साथ जुड़ी रहती हैं। तो समस्यात्मक प्रश्न पूछता है तो एक सह अपराधी, यानी कि आपका पहला उदाहरण हमने बताया, याद रखिएगा, जो पुलिस वाले का है वह सह अपराधी नहीं है क्योंकि उसका कार्य अपराध करने का आशय नहीं था। क्या था कि हम डकैतों को क्या करें, पकड़वा दें। अब पुरानी फिल्में में होता था, अब कौन पुलिस जाती है, अब डकैतों के ग्रुप में कोई शामिल ही नहीं होने देगा। अब परीक्षा ली जाती थी बहुत तगड़ी पहले, अब परीक्षा में पुलिस वाला क्या होता था, पास। भाई देखिए, दो चार मिनट एक लोग आ गए हैं, थोड़ा अर्जेंट काम है, दो चार मिनट बाद अभी क्लास चलेगा, तीन चार मिनट में ही क्लास चलेगा, थोड़ा व्यक्तिगत कुछ काम है तो तीन चार मिनट बाद क्लास चलेगा। भाई बैठे रहे, अब
देखिए आपका बताया जा रहा था भाई, इसमें दो तीन केस भी याद करना पड़ेगा। आपका जो बेस्या वाला है वो यूपीजे में आया है कि कौन सा अपराधी नहीं है या है, तो आपका पहले ये लिस्ट बता दिया जाए। जो बेस्या होते हैं वह भी सह अपराधी हैं, जो उसके दलाल होते हैं वह भी सह अपराधी हैं, जो व्यक्ति स्वेच्छा से रिश्वत देता है वह भी सह अपराधी हैं, ये याद रखिए। या लेकिन हमेशा याद रखिए, जो व्यक्ति अपराध में शामिल हैं लेकिन उसका इरादा अपराध उजागर करने का है, वह किसी भी हाल में सह अपराधी नहीं होता। अब यहाँ जो आपका दो चार मिनट कंसेप्ट बनाना है, उदाहरण देकर बनाना है, और यही नाम पूछा जाता है। मान लीजिए तीन व्यक्ति हैं, ए बी तथा सी, ये भारत सरकार के खिलाफ युद्ध की योजना बनाते हैं कि चलो भारत सरकार को हम क्या करेंगे, उखाड़ देंगे या भारत सरकार के खिलाफ युद्ध करेंगे। तब तक ये तीनों पकड़ लिए जाते हैं साजिश के तौर पे, और आपका तीनों के खिलाफ साक्ष्य कमजोर रहता है। तो सरकार एक काम करती है, क्योंकि तीनों योजना में शामिल थे और आशय के साथ, तो इन्हें आपस में एक कॉम्प्लिक्स या सह अपराधी कहा जाएगा। अब इसी में सेक्शन आपको कोरिलेट करते रहना है, देखिए ध्यान से। अब सरकार क्या करती है, चूंकि साक्ष्य कमजोर रहता है तो सह अपराधियों में से कम एक को, दो को भी कर सकती है, एक को लालच देती है। यानी कि सरकार ने एक को, इसमें से एक को या तो धमकी दी या उत्प्रेरणा दिया या वचन दिया कि तुम सरकारी गवाह बन जाओ, अर्थात राज साक्षी बन जाओ, क्षमा माफ गवाह बन जाओ। इसको इकबाली साक्षी कहा जाता है, इकबाली साक्षी बन जाओ और तुम अपने साथियों के खिलाफ यानी कि बी और सी के खिलाफ क्या दो, साक्ष्य दो। और आप लेकिन अब सरकार, इसका मतलब ये हुआ कि सरकार अगर उत्प्रेरणा वचन धमकी भी ये को देती है तो वह वैध मानी जाएगी। तो तुरंत एविडेंस की धारा कौन सी पढ़ लेनी है, 24। एविडेंस की धारा 24 कहती है कि अगर उत्प्रेरणा माने उकसाकर या धमकी देकर या आपका वचन देकर माने वादा करके अगर किसी व्यक्ति से संस्कृति कराई गई है यानी कि उसका अपराध स्वीकार करवाया गया है तो वह संस्कृति साक्ष्य में विसंगत होगी, यानी कि साक्ष्य में उसे प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। ये कौन सी धारा कहती है, आपका एविडेंस की धारा 24। लेकिन उत्प्रेरणा वचन या धमकी देने वाला व्यक्ति प्राधिकारवान व्यक्ति हो यानी कि अथॉरिटीवान व्यक्ति हो। अब समस्या ये है कि भाई सह अपराधी को तो उत्प्रेरणा वचन धमकी सरकार देती है और कहती है कि तुम अपना अपराध स्वीकार करो, और स्वीकार करने के बाद अपने साथियों यानी कि बी तथा सी के खिलाफ भी क्या दो बयान। तो ऐसी दशा में ये धारा एविडेंस की 24 का क्या हो गया, अपवाद। अपवाद मतलब कि नियम का विरोधी नियम। तो तुरंत सीआरपीसी की एक धारा देख लेनी है कि कौन सी धारा ये बताती है कि अगर सह अपराधी को उत्प्रेरणा वचन धमकी भी दिया गया है तो ऐसी दशा में वो सही माना जाएगा, गलत नहीं माना जाएगा। तो तुरंत सीआरपीसी की कौन सी धारा ऐड करेंगे, 316। ये किसमें दिया गया है, तो ये 316 एविडेंस की किस धारा का अपवाद हुआ, 24। अब आप लोग आगे एकदम एक क्रम से मैं चल रहा हूँ धाराओं का। अब जब ए को सरकार क्षमादान कराएगी तो क्षमादान का नियम कहाँ है, यानी कि ए की सजा पहले ही सरकार माफ कराएगी कोर्ट से, लेकिन कंडीशन पर यानी कि शर्त पर कराएगी। क्या शर्त सरकार लगाएगी कि जो भी तुम घटना के बारे में और व्यक्तियों के बारे में जानते हो
सब कुछ सत्य सत्य क्या करोगे, कोर्ट में बता दो। तो किस शर्त पर क्षमादान दिया जाता है कि वह सह अपराधी आपका सब कुछ घटना के बारे में बता देगा, इसको शपथ दिलवाई जाएगी, क्षमादान करेगा होगा और आपका, इसी को सामान्य भाषा में गद्दार कहा जाता है, जैसे कहा जाता है ना कि गद्दार, तो इसी को आसान भाषा में हम क्या कहेंगे, गद्दार। तो सम नियम अभी बताया जाएगा गद्दार का, लेकिन अब इसका नाम याद रखिए, नाम बहुत महत्वपूर्ण है। जब एक उस सरकार ने क्षमादान न्यायालय से दिलवा दिया तो इसका नाम चेंज होगा, वही नाम पूछा जाता है, इकबाली साक्षी या राज साक्षी या अब ये सरकारी गवाह बन गया है या क्षमादान पाया साक्षी, जो भी पूछा जाए, इकबाली साक्षी ज़्यादा पूछा जाता है तो इकबाली साक्षी एविडेंस की किस धारा में, कौन सी धारा चल रही है, 133। ये राजस्थान का मॉडल है, बिहार में आ सकता है। राज साक्षी, क्षमादान साक्षी, अब आइए आगे बढ़ा जाए। अब एक को पहले क्षमादान ही करवा दिया जाए सीआरपीसी में, क्षमादान एविडेंस में नहीं प्रक्रिया है, क्षमादान की प्रक्रिया कहाँ दी गई है, सीआरपीसी। अब रटे रहिए, सीआरपीसी की धारा 306 के तहत सह अपराधी को क्षमादान देने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, पहला नियम। दूसरा नियम ये आया कि झारखंड ने सीआरपीसी की धारा 307 पूछा कि सुपुर्द न्यायालय यानी कि जिस न्यायालय को मामला कमिट किया गया है, भेजा गया है, सुपुर्द किया गया है, वह न्यायालय सीआरपीसी की किस धारा के तहत क्षमादान दे सकता है, तो सामान्य न्यायालय 306 और ये झारखंड में पिछली बार जे में आया था सुपुर्द न्यायालय 307 किस धारा में, सीआरपीसी के 307। रटे रहिए, पूछा जा सकता है, रिपीट कर सकता है। अब ये आया कि किस शर्त पर उसे क्षमादान दिया गया था कि जो भी वह जानता है घटना के बारे में सत्य सत्य बताएगा कि झूठ झूठ, सत्य सत्य। अगर वह झूठ बोलता है या सत्य बातें बताने से इनकार करता है तो 308 कहती है कि उसके क्षमादान को सरकार अब क्या कराएगी, कैंसिल, और कैंसिल कराकर उस पर भी अब मुकदमा चलेगा। यानी कि कौन सी धारा क्षमादान का कैंसिलेशन की बात करती है, सीआरपीसी की कौन सी धारा, 308। अब आइए यहाँ बैक होइए, सह अपराधी के बारे में अब आइए साक्ष्य दिलवाइए। तो अब देखिए क्या होता है, ये जो एक को क्षमादान दे दिया गया है तो बताइए सह अपराधी को क्षमादान दिया जाता है कि सह अभियुक्त को, सह अपराधी को। तो ये जब क्षमादान पा गया है तो अब ये गवाही देगा और अपना अपराध तो पहले ही स्वीकार किया है, स्वीकार करने के बाद कोर्ट से सरकार ने इसे क्या करवा दिया है, क्षमा, लेकिन शर्त लगा कर कि जो भी जानते हो क्या बोलना, सत्य। अब आइए बोलवाइए भाई, अब एविडेंस में बोलवाइए। अब ए बोलता है, तो जब ए बोलता है यानी कि ये गद्दार बोलता है तो अब समस्या ये है कि क्या इस गद्दार के बोलने के आधार पर बी और सी को सजा दी जा सकती है कि नहीं। तो तुरंत आपका धारा एविडेंस की 133 अप्लाई करना है कि सह अपराधी सक्षम साक्षी होगा। फिर एक बार याद रखिए, यानी कि ए बी तथा सी के खिलाफ सक्षम साक्षी होगा कि अक्षम, तो आप क्या मारेंगे, सक्षम। और कोई दोष सिद्धि मात्र इस कारण से अवैध नहीं होगी कि केवल और केवल वह ए के बयान के आधार पर बी और सी को दी गई है। इसका मतलब ये हुआ कि धारा 133 दो बातें बताती है, रटे रहिए, कि सह अपराधी कॉम्पिटेंट विटनेस होगा पहली बात, और दूसरी बात भी दिमाग में बैठानी है कि केवल
एक बयान के आधार पर यानी कि एक परिसाच के आधार पर अगर अन्य सह अपराधियों को यानी कि अन्य कौन है इस उदाहरण में बी और सी को अगर सजा दे ही दी जाए, दंड दे ही दिया जाए तो क्या ये दंड वैध होगा कि अवैध? तो 133 कहती है वैध होगा। क्या होगा? अवैध न मार दीजिएगा, यही गलती होगी। क्या होगा ये सजा? सही मानी जाएगी। यानी कि इसका मतलब अगला आया कि इकबाली साक्षी का साक्ष किस प्रकार का होता है? सारवान होता है कि संपोषक यानी कि सब्सटेंसिव होता है कि कार्बोरेटिंग नेचर का? ये नया क्वेश्चन आ सकता है। तो दोनों को समझिए, अगर कोई साक्ष सारवान है तो केवल और केवल उस साक्ष के आधार पर न्यायालय फैसला सुना सकता है। तो बताइए सह अपराधी या इकबाली साक्षी का साक्ष 133 में सारवान है कि संपोषक? सारवान, क्योंकि केवल एक के बयान पर यानी कि इस गद्दार के बयान पर किसको सजा दी जा सकती है? बी और सी को। ये दिमाग में बैठाए रहिएगा। अब दूसरा नियम ये आया, किसी के साथ धारा 156 अब को रिलेट करिए। ये घटना ये बयान दे रहा है, किसके खिलाफ बयान दे रहा है? बी और सी। तो क्या ये घटना का विस्तृत वर्णन कर सकता है कि नहीं? बताइए तो, माने विस्तृत तौर पे बता सकता है कि नहीं कि हम लोगों ने कैसे घटना कारित की? बता सकता है। और जो ये सह अपराधी विस्तृत तौर पे घटना के बारे में बताएगा, ये धारा 156 में सुसंगत बनाया गया है। और धारा 156 का तुरंत दृष्टांत निकालिए, उसमें देखिए क्या बताया गया। तुरंत निकालना चाहिए बेरेक में 156 का एलेस्ट्रेशन, तुरंत देखते रहे जो जो धारा ऐड हो। क्या बताती हैं भाई? 100 लूट का उदाहरण देती हैं कि एक सह अपराधी है। अब ए यही ए मान लीजिए, ए और बी सी तीनों लूट किए हैं, साक्ष कमजोर हैं, तो ए को इकबाली साक्षी बना दिया गया और ए न्यायालय में बयान देता है। कहाँ योजना बनी बता सकता है कि नहीं? कहाँ से हम लोग किस किस रास्ते से आए बता सकता है कि नहीं? किस साधन से घटना स्थल पर पहुंचे बता सकता है कि नहीं? बीच में कहाँ खाना खाए, कहाँ पानी पिए, किस से बात हुई और कैसे हम लोगों ने लूटा उस आदमी को, बताइए पूरा वर्णन कर सकता है कि नहीं? तो कौन सी धारा का दृष्टांत है कि पूरा वर्णन करे कोर्ट में? तो कौन सी धारा का दृष्टांत है? आपका 156 देख सकते हैं, वही दिया गया जो मैं बता रहा हूँ लूट का। इसके बाद आइए 156 के बाद आपका 134 बताया भी गया था भाई दो दिन पहले, यूपीजे एपीओ दोनों में आया, बिहार में भी पूरा चांस है कि साक्षियों को तौला जाता है गिना नहीं जाता, किस धारा का सिद्धांत है? 134। और साक्षियों की गुरुता की जाती है, उनकी संख्या नहीं, किस धारा का? 133। तो किसी तथ्य को साबित करने के लिए कम से कम कितने साक्षी? 1, 2, 3, कोई विशिष्ट संख्या अपेक्षित नहीं। तो क्या मार कर आएंगे? बताया गया था कोई विशिष्ट संख्या अपेक्षित। इसका मतलब ये हुआ कि एक गद्दार, जैसे एक बिहारी सब पे भारी, तो यहाँ जो ये एक गद्दारी किया है किससे? बी तथा सी से। ये भारी पड़ेगा किस पर? बी तथा सी पर। और एक के साक्ष के आधार पर बी तथा सी को क्या दिया जा सकता है? सजा। अब लेकिन लगा तो कुछ ना कुछ समस्या तो आएगी। देखिए लेकिन 114 का दृष्टांत कौन हमें पढ़ना है? भी न्यायालय यह अनुमान लगा सकता है, न्यायालय यह उपधारणा कर सकता है कि सह अपराधी विश्वास के योग्य नहीं है जब तक कि उसके साक्ष्य की संपुष्टि अन्य स्वतंत्र साक्षियों द्वारा न हो जाए। यानी कि न्यायालय का विवेकाधिकार दिया गया है 114 के दृष्टांत नंबर दूसरे में कि न्यायालय चाहे तो इस उदाहरण में ए को
अविश्वसनीय मान सकता है और ये कह सकता है अभियोजन से कि हम केवल एक साक्ष्य के आधार पर बी तथा सी को सजा नहीं देंगे, आप अन्य कोई साक्ष्य लाइए जो एक ही बातों का क्या करे सपोर्ट। ये न्यायालय का विवेकाधिकार है कि न्यायालय बाध्य है, तो विवेकाधिकार। अब ये मामला आया आपका कि भाई क्यों ऐसा नियम बनाया गया कि न्यायालय संपुष्टि की मांग करेंगे, तो तर्क तो भाई मेंस में ज्यादा दिया जाता है, प्री में दो ही तर्क दिया जाए। पहला तर्क ये कि एक का स्वयं अपराधी होना, जब ए स्वयं अपराधी था तो इस पर ज्यादा विश्वास न किया जाए। दूसरा क्या है कि ए अपने साथियों के खिलाफ ही क्या कर रहा है, आग उगल रहा है, तो जो अपने साथियों का नहीं हुआ वह सरकार का क्या होगा, हो सकता है अपनी चमड़ी बचाने के लिए झूठ बोल दे। और तीसरा, चूंकि सरकार ने इसकी सजा पहले से क्या करा रखी है, माफ करा रखी है, तो पूरी संभावना है कि इसकी सजा माफ रहे, ये चार बातें घटना में क्या करेगा, जोड़ेगा, यानी कि मिर्च मसाला लगा कर सब्जी को क्या कर देगा। और कहा जाता ना कि थोड़ा अगर सब्जी कम है तो इलाहाबादी भाषा में कहा जाता है मिर्च मसाला झोंक दीजिए आग जैसे, ताकि खाने वाले क्या करें, थोड़ा कम खाएं, पनीर 100 ग्राम है, चार लोग खाने वाले हैं तो 10 मिर्चा डाल दीजिए, दो दो पीस में क्या हो जाएंगे, सब पस्त हो जाएंगे, वाह वही भी करेंगे और कहेंगे कि तुमने मिर्चा थोड़ा क्या डाल दिया था, तो कह दीजिए कि मैं तो तेज मिर्चा खाता हूँ, मैं जब मुझे पता रहता तो थोड़े मैं 10 मिर्चा डालता। तो उसी प्रकार ये क्या कर सकता है, बातें बढ़ा चढ़ा कर बोल सकता है। इसीलिए ये जो जो 133 में है ये विधि का नियम है, और प्रज्ञा या सतर्कता का नियम कहाँ है, 114 का कौन सा दृष्टांत, बी। विधि का नियम कहाँ है, 133, और सतर्कता का 114 का दृष्टांत आपका बी में। अब केस कम से कम एक याद रखिएगा, वही केस पूछा जाता है, भुवनी साहू का केस याद रखना है। कुछ न याद रहे तो एक केस 133 पर याद रखिएगा, कौन सा, भुवनी साहू। अगला देखिए भाई, आपका इतना पर्याप्त है 133 पर, भुवनी साहू भी लिखा जाता है, भुवनी साहू के केस में इतना पर्याप्त है आपका, मैंने प्री के हिसाब से काफी बताया गया कोरिलेट करके, भुवनी साहू का केस है, नोट्स में है भाई। अब आइए आगे देखा जाए आपका, इधर की धाराएं जो आपका छूटी है 91-92 बाद में बताया जाएगा भाई, तैयार नहीं हो पाई है। इधर आपका देखिए 30 तक आपका पढ़ाया गया है वीडियो से, तो जो लोग भाई वीडियो से आपको जोड़ा जाएगा, 10-15 लेक्चर आपको वीडियो से पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि समय कम है, जो वीडियो अच्छे से तैयार हैं उसको कम से कम आप क्या करिए, वीडियो देखकर पढ़ लीजिए, जो भाई आपका बिहार देना चाहते हैं। और हम धारा 32 से शुरू करते हैं, इधर 32 से लेकर 55 तक बचा है, और 30 तक आपका वीडियो से है, 31 पढ़ना नहीं है। आइए धारा 32 निकालिए, 32 में एक क्वेश्चन निश्चित बनेगा, अब कहाँ से बनेगा वो अलग बात है। आइए धारा 32 देखा जाए, एक क्वेश्चन निश्चित बनेगा, मैं बता दूं प्री मेंस इंटरव्यू। देखिए धारा 32 क्या कहते हैं, जब भी धारा 32 पढ़िएगा तो आपका धारा 60 से कवर करिएगा। देखिए भाई आपका धारा 60, उसके बाद 32, धारा नोट्स में है भाई, बहुत डिटेल में आप नोट्स धारा 32 का एक बार पढ़ लीजिएगा। देखिए जो मुख्य मुख्य बातें हैं भाई वही बताया जाएगा जो आ सकती हैं, फालतू बातों का समय नहीं है। यानी कि धारा 32 धारा किसका अपवाद है, तो धारा 60 का, ये पहला क्वेश्चन बना है बिहार में कि धारा 32 किस धारा का अपवाद है, तो धारा 60 का एक्सेप्शन है। क्यों एक्सेप्शन है इसको समझिए, धारा 60 बताती है कि जो भी मौखिक साक्ष्य होगा वह डायरेक्ट होगा अर्थात प्रत्यक्ष होगा, लेकिन धारा 32 में
आठ ऐसी कंडीशन दी गई हैं। तो कितनी कंडीशन? आठ, जहाँ की मौखिक साक्ष्य अप्रत्यक्ष हो सकता है या अनुश्रुत हो सकता है या हियर से हो सकता है, अर्थात धारा 32 धारा 60 का एक्सेप्शन है। अर्थात ऐसे क्वेश्चन बनता है कि धारा 32 किसका अपवाद है, अलग से लिख लीजिए, प्रत्यक्ष साक्ष्य के नियम का भी और अनुश्रुत साक्ष्य के नियम का भी, उसको अलग से लिखिए। तो एक दिन बताया गया था भाई धारा 32 किसका अपवाद है, तो प्रत्यक्ष साक्ष्य के नियम का भी और किसका है, अनुश्रुत साक्ष्य के नियम का भी, दोनों एक ही नियम है। आइए धारा 32 की शुरुआत किया जाए और यहाँ से आपका निश्चित एक क्वेश्चन आएगा, सतर्क रहना अच्छे से। धारा 32 आठ ऐसी कंडीशन बताती है, तो कितनी कंडीशन बताई गई है? आठ, जहाँ की, फिर एक बार याद रखिए, कितनी कंडीशन, अब रटते रहिए, आठ, जहाँ की अगर कोई व्यक्ति मर गया, मिल नहीं सकता, न्यायालय में आने में बहुत बुलाने में समय लगेगा या साक्ष्य देने में असमर्थ हो गया, यानी कि पागल हो गया, तो ऐसी दशा में उसके जो पूर्वतन कथन हैं, उसके पहले के जो स्टेटमेंट हैं या कथन हैं, उन कथनों को साक्ष्य में बिना उसे बुलाए क्या कर लिया जाता है, स्वीकार। फिर एक बार देखिए, कंसेप्ट बनाइए। धारा 32 में आठ ऐसी कंडीशन है जहाँ की ऐसा व्यक्ति जो मर गया है या जो अब मिल नहीं सकता, साक्ष्य देने में असमर्थ है, बहुत दूर निकल गया है, बहुत समय और पैसा खर्च होगा, तो न्यायालय ऐसे व्यक्ति के पूर्वतन या पूर्ववर्ती कथनों को साक्ष्य में क्या कर लेता है, स्वीकार, उसे बुलाने की आवश्यकता नहीं। तो 32 का क्लाज 1 आपका क्या कहता है कि अगर ऐसा व्यक्ति मने मृत्युकालिक कथन, तो 32-1 देखा जाए। 32-1 देखिए भाई, यहीं से आपका क्वेश्चन उठेगा। धारा 32 का क्लाज 1 आपका पहला क्वेश्चन बनता है कि मृत्युकालिक कथन या डाइंग डिक्लेरेशन या डीडी भी शॉर्टकट में कहा जाता है, डीडी ये कई बार बना है, कि मृत्युकालिक कथन किस धारा में सुसंगत एविडेंस के होता है, तो 32 के क्लाज किस में? 1, यानी कि मृत्युकालिक कथन होता क्या है, तो ऐसे व्यक्ति का कथन जो मर गया हो और जिसने अपने मृत्यु के कारणों के बारे में या उस संव्यवहार के बारे में बताया हो जिसमें उसकी मृत्यु हुई हो, इसी को मृत्युकालिक कथन कहा जाता है। फिर एक बार समझिए, मृत्युकालिक कथन या मृत्युकालिक घोषणा या डीडी या डाइंग डिक्लेरेशन का मतलब क्या है, तो किसी व्यक्ति ने क्या किया हो, पहला क्वेश्चन आया कि किसी व्यक्ति ने क्या किया हो, कथन करने के बाद वह क्या हुआ हो, मर गया हो, और उस कथन द्वारा किस बात को बताया हो, या तो अपने मृत्यु के क्या, देखिए सबसे सटीक है, अपने मृत्यु के कारण, यहीं से आपका क्वेश्चन बनता है, अपने मृत्यु के कारण के बारे में स्वयं की सतर्क रहना है, या उस संव्यवहार यानी कि ट्रांजैक्शन, उस संव्यवहार की परिस्थिति के बारे में बताया है जिस ट्रांजैक्शन में, जिस हालात में उसकी क्या हुई, मृत्यु हुई, तो ऐसी दशा में चाहे कथन करते समय उसे मृत्यु की आशंका हो या न हो, और चाहे ये सिविल मामला हो या क्रिमिनल मामला हो, ऐसा कथन साक्ष्य में क्या होगा, सुसंगत। फिर एक बार अब इसी शब्दों को हम तोड़ेंगे, और कुछ नहीं है, यही मृत्युकालिक कथन। आइए एक एक करके देखा जाए। मृत्युकालिक कथन पहला क्वेश्चन आया, कैसे कथन किया हो, तो कथन आपका कैसे हो सकता है,
मौखिक हो सकता है यानी कि मुख से बोलकर हो सकता है, दूसरा आपका लिखित हो सकता है, और तीसरा आपका इशारों द्वारा या संकेतों द्वारा हो सकता है, यानी कि मौखिक, लिखित और आपका दस्तावेजी या इशारों द्वारा, संकेतों द्वारा कथन किया जा सकता है। जो केस आया वह आपका आया संकेतों द्वारों पर, अभी कल ही परसों बताया गया, क्वीन इम्प्रेस बनाम अब्दुल्ला, रटे रहिए नोट्स में है, क्वीन इम्प्रेस बनाम अब्दुल्ला के केस में मैं बताया भी था, फिर एक बार मैं बता रहा हूँ, अभी उत्तराखंड में पूछा गया था और आपका पूछ सकता है कहाँ बिहार में भी, कि क्वीन इम्प्रेस वर्सेज अब्दुल्ला का केस किससे संबंधित है, उत्तराखंड बनाया, मृत्युकालिक कथन से संबंधित है, यानी कि एविडेंस की धारा 32 के कहाँ से, 1 से। इसमें मुख्य न्यायाधीश याद करके जाइएगा, बताया गया था दो दिन पहले, पैथरम थे, कितने जजों की पीठ बैठी थी, 4, और कितने से निर्णय आया, 3-1 से। अल्पमत में निर्णय किसने दिया, जस्टिस महमूद ने, जस्टिस महमूद ने इशारे को कहाँ ले जाकर माना, पश्चातवर्ती आचरण में, तो किस धारा में, 8, कौन सी धारा में, अगर अल्पमत में पूछे तब मारना है, क्योंकि उत्तराखंड में कई लोग आधार 8 मार कर आए थे, तो भाई जब 3 जज कह रहे हैं कि 32-1, यानी कि एक देखे, फिर एक बार एक लाइन इस केस को बता दिया जाए। एक दुलारी नामक बेस्या थी, उसका गला काटा गया था, सांस नली कट गई थी और वह बोलने में असमर्थ थी, जब मजिस्ट्रेट साहब आए और पूछे कि ये चोट किसने पहुंचाई है, तो वह बोल नहीं पा रही थी, तो मजिस्ट्रेट साहब ने कुछ नामों का उल्लेख किया, और जब अब्दुल्ला के नाम का उल्लेख आया तो सिर हिलाई और हाथ का इशारा ऐसे की, उसको मजिस्ट्रेट साहब ने लिख लिया। अब समस्या ये आई कि जो ये इशारा की है या संकेत की है, ये धारा 8 में घटना के बाद उसका कंडक्ट माना जाएगा कि ये मौखिक कथन माना जाएगा, तो 3 जज 4 जजों में से 3 जजों ने इशारे को क्या माना, मौखिक कथन का दर्जा दिया कि ये जो इशारा की है ये कौन सा साक्ष्य माना जाएगा, मौखिक की दस्तावेजी, मौखिक और डाइन डिक्लेरेशन माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। तो अगला क्वेश्चन आया कि क्या इशारों द्वारा भी डाइन डिक्लेरेशन हो सकता है, हो सकता है, किस केस में, क्वीन इम्प्रेस वर्सेज अब्दुल्ला, यही नियम है रटने का, 3-4 बार मैं बता रहा हूँ, अब्दुल्ला अब्दुल्ला अब्दुल्ला। देखिए आगे भाई, कथन किया हो और कथन करता क्या हुआ हो, मर, अब मरना को साबित करिए, जिंदा बचा तो क्या होगा, मरा नहीं तो, 4-5 क्वेश्चन आते हैं, सतर्क रहना है इसको जब भी पढ़िए, मर गया है, तो मर गया है का मतलब पहला ये हुआ कि कथन करता की मृत्यु हुई हो और मृत्यु उसी चोट के कारण हुई हो जिस चोट जो वह उसको चोट लगी थी, अगर चोट के कारण मृत्यु न होकर और मृत्यु दूसरे कारणों से हो गई, तो ऐसी दशा में उसका कथन मृत्युकालिक कथन नहीं माना जाएगा। टेक्निकल क्वेश्चन शुरू हो गया, मृत्यु उसी चोट के कारण हुई हो कि अन्य कारणों से, उसी चोट के कारण, अब जैसे कि ए ने बी को सुई चुभ हो दिया और सुई के कारण बी को टेटनेस हो गया, टेटनेस से मर गया, तो बी सुई चुभ होने से नहीं मरा बल्कि किस कारण से मर गया, टेटनेस होने से, तो ये मृत्युकालिक कथन नहीं होगा, क्योंकि सुई चुभ होने से मरता तब आपका कह सकते हैं कि मृत्युकालिक कथन माना जाता। टेक्निकल क्वेश्चन याद रखिएगा, मर गया हो तो मर गया हो में 2-3 धारा काम करेगी, आपका पहली धारा 104 पढ़ना है, फिर आपका 136 पढ़ना है, कौन सी धारा 136, और जिंदा बच गया तो क्या होगा, कथन बेकार चला जाएगा कि कुछ उसका मायने होगा, ये भी पूछा गया है, कथन किया और मरा नहीं तो क्या मृत्युकालिक कथन माना जाएगा कि नहीं,
तो नहीं माना जाएगा। तो धारा 145 और कौन सी धारा 157, यानी कि अब मर गया पर हमें चलना है, और मर गए पर कम से कम कह सकते हैं कि 3-4 धाराएं बनानी है। तो मृत्यु आईपीसी में कहाँ परिभाषित है, 46 है कि 45, 46 होगा क्योंकि 45 में जीवन है, 46 आईपीसी भी देखने। अब एक एक क्रम से एकदम दिमाग में बैठाइए, तब आगे एक एक शब्दों को हम तोड़ रहे हैं बेरेक के। मर गया हो, इसका मतलब ये हुआ कि जो पक्षकार न्यायालय में ये चाहता है कि न्यायालय एक व्यक्ति बना ले जाए, उदाहरण ए, जो पक्षकार न्यायालय से ये चाहता है कि ए मर गया, ए का यह कथन मृत्युकालिक कथन है या डीडी या डाइन डिक्लेरेशन है, न्यायालय इसे स्वीकार करे। तो धारा 104 बताती है कि पहले ये साबित करिए कि ऐसा व्यक्ति क्या हो गया है, मर गया है, और तब उसका कथन साक्ष्य में स्वीकार किया जाएगा। यानी कि आपका किस पक्षकार पर सबूत का भार होगा कि वह साबित करे कि जिस व्यक्ति का स्टेटमेंट है उसकी डेथ हो गई है, बताइए। तो जो पक्षकार कौन सा साक्ष्य पेश करना, कौन क्या देना चाहता है न्यायालय में, मृत्युकालिक कथन, उसी को साबित करना पड़ेगा। ये कौन सी धारा है, 104। लेकिन न्यायालय इस आपका नियम को शिथिल कर सकता है और पहले मृत्युकालिक कथन को स्वीकार कर सकता है और कह सकता है कि मृत्यु को क्या करना, बाद में साबित करना। तो न्यायालय किस धारा के तहत 104 के नियम को थोड़ा शिथिल कर सकता है, किस धारा के तहत, 136, लेकिन छूट नहीं, भले बाद में साबित करिए, करना ही होगा कि ये व्यक्ति क्या हो गया है, क्योंकि मृत्युकालिक कथन तभी माना जाएगा कि जब व्यक्ति क्या हो गया हो, मर गया हो, जिंदा न बचा हो। अब आगे आइए, अब ये है कि भाई आपका ये दे दिया गया कथन, अब ये है कि अगर जिंदा बच गया तब क्या होगा, तो जिंदा बच गया तो रटे रहिएगा, उसका कथन बेकार नहीं जाएगा, लेकिन मृत्युकालिक कथन भी नहीं माना जाएगा। क्योंकि मृत्युकालिक कथन का मतलब क्या हुआ कि जो क्या हुआ हो, मर गया हो। अब ये जो मर गया हो, इसको हम फिर बैक होंगे, आपका अभी पहले चला जाइए, अगर बच गया तो क्या होगा ये पूछा जाता है, तो दिमाग स्थिर करके जानिए। कल ही मैं बताया था 145 में क्या है खंडन और 157 में संपुष्टि। अगर ऐसा व्यक्ति जिंदा बच गया और उस मामले में साक्षी के रूप में यानी कि गवाह के रूप में कोर्ट में पेश होता है, तो उसके कथन का प्रयोग एविडेंस की धारा 145 के तहत आपका उसके कथन का खंडन करने के लिए या 157 के तहत उसके कथन की संपुष्टि या सपोर्ट के लिए किया जा सकता है। लेकिन ये कब, जब मर गया हो, जिंदा बच गया हो तब। अब मृत्यु पर आइए, अभी वह मर गया हो तो भाई आखिर मर गया हो तो कैसे मरा हो, ये समस्या आई। यहाँ भी पूछा जाता है मृत्यु मने कैसे मृत्यु, कई प्रकार की मृत्यु होती है। देखिए, एक दुर्घटना में मर गया आदमी, ये तो भाई 80 बचाव दे देगी अभियुक्त को। एक है 304 ए, उपेक्षा या उतावलेपन कार्य द्वारा मृत्यु, भी मृत्यु है। एक आपका 304 बी है, आपका डावरी डेथ आईपीसी, वो भी मृत्यु है। 1299 है हत्या माने आपराधिक मानव वध, और 300 में हत्या है, वो भी मृत्यु है। और एक है आपका आत्महत्या भी है या आपका, वो भी मृत्यु है। या कोई व्यक्ति आत्महत्या के लिए क्या किया, उकसा दिया, वो भी मृत्यु है।
तो आत्महत्या किया हो कि मर्डर हुआ हो कि आपका दहेज हत्या हुई हो, तो मृत्यु का मतलब कौन सी मृत्यु बताइए? सभी मृत्यु। मृत्यु का मतलब क्या? चाहे आत्महत्या किया हो, चाहे वह दहेज हत्या हो, चाहे वह मर्डर हो या मर्डर से बाहर हो, या उपेक्षापूर्ण कार्य द्वारा या दुर्घटना, ये धारा सभी मृत्यु के मामले में लागू होगी। तो एक लाइन याद रखे, मृत्यु मैंने कैसे मरा हो तो उपर्युक्त सभी मार कराइएगा, ये नहीं कि दुर्घटना बाहर कर दीजिएगा। मृत्यु मतलब क्या? सभी तरीके से मृत्यु, कोई इसमें रोक टोक नहीं है। अब आइए, बच गया जिंदा तो क्या होगा? अब आइए, मृत्यु से पहले उसने कथन किया हो। अब ये है कि कथन हो सकता है घटना के पूर्व भी कर सकता है और घटना के क्या बाद भी। अब आइए, मान लीजिए बी ने ए को धमकी दी कि हे ए, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ए गया और अपनी शिकायत आपका थाने में दर्ज कराया और कहा कि बी हमें धमकी दिया है जान से मारने की, हो सकता हमें जान से आगे मार दिया जाए। और अगर बी मर गया, नहीं ए मर गया, तो ए ने जो थाने पर FIR दर्ज कराई थी वह कन्वर्ट किस में अब हो जाएगी? उसकी DD में। क्यों DD में? क्योंकि घटना के पहले का कथन हो या बाद का, लेकिन उसका कथन अपने मृत्यु के कारणों के बारे में क्या है बताता है। तो अब अगला नियम आइए कि मृत्युकालिक कथन किसके समक्ष किया जा सकता है, ये पूछा गया, गलत न हो। तो चलिए, कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष किया जा सकता है कि नहीं? किया जा सकता है। पुलिस के समक्ष किया जा सकता है कि नहीं? किया जा सकता है। डॉक्टर के समक्ष और घर वालों के समक्ष, आम आदमी के समक्ष, तो क्या मार कराएंगे? उपर्युक्त सभी, ये नहीं कि आपका कोई इसमें बचाव नहीं, ये न करिएगा। मृत्युकालिक कथन घटना के पूर्व किया जा सकता है कि घटना के बाद की, दोनों दशाओं में बताइए, किसके समक्ष? किसी भी व्यक्ति के समक्ष। अब आइए, एक भाई FIR डॉक्टर से करवा दिया जाए, कम से कम दो उदाहरण दे दिया जाए। एक व्यक्ति घायल अवस्था में था, थाने पर गया और अपनी रिपोर्ट दर्ज कराया और कहा कि ये चोटें हमको बी ने पहुंचाई है, और FIR दर्ज कराने के 2-4 दिन बाद वह क्या हुआ, मर गया। तो एक तो चोट गंभीर रहेगी, तो हत्या का प्रयास 307 लगा, और जब 3 दिन मर गया तो 307 किस में कन्वर्ट हो गई? 302 में, क्योंकि अब वह क्या हुआ है, मर गया। तो बताइए, ये कथन उसका मृत्युकालिक कथन माना जाएगा कि नहीं, भले वह FIR लिखवाया हो? माना जाएगा कि नहीं? माना जाएगा। अब आइए, एक घायल अवस्था में डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने पूछा कि किसने चोट पहुंचाई, तो ए ने पूरा बयान दिया और बयान करने के बाद मर गया। तो डॉक्टर ने जो लिख लिया कि इसने ये बयान दिया था, तो बताइए उसका बयान मृत्युकालिक कथन माना जाएगा कि नहीं? लेकिन किसके समक्ष किया था? डॉक्टर के या घर वालों के समक्ष? लेकिन जो आपका साक्ष्य में महत्व ज्यादा होता है वह तब होता है जब मजिस्ट्रेट के समक्ष किया गया हो, ये सही बात है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण निर्भया कांड का है। निर्भया के मामले में उसका बयान लेने मजिस्ट्रेट पहुंचे, पहली बार बयान में कुछ गलती हो गई, तो आपने देखा कि मजिस्ट्रेट दोबारा बयान लेने 4-5 दिन पहुंच गए और फिर से बयान लिया गया। इसलिए लिया गया कि जो त्रुटि हुई है बयान लेने में, अगर इस त्रुटि को नहीं सुधारी गई तो यह अभियुक्त को क्या पहुंचा देगी? फायदा। और निर्भया ने बयान दिया मजिस्ट्रेट को, उसके बाद मर गई तो उसका बयान किसमें कन्वर्ट हो गया? DD में, डाइन डिक्लेरेशन में। तो अब तुरंत दिमाग में बैठाइए अगला क्वेश्चन, मृत्युकालिक कथन का साक्ष्य में क्या महत्व है? ये सारवान साक्ष्य है कि संपोषक? सारवान तब कहा जाएगा जब केवल और केवल
इसी के आधार पर सजा दे दी जाएगी या निर्णय दिया जाएगा। और संपोषक तब कहा जाएगा जब ये अन्य साक्षियों का ये केवल क्या करे सपोर्ट। तो रट कर जाइएगा, डीडी क्या है? सब्सटेंसिव एविडेंस है कि कार्बोरेटिंग नेचर का, तो पूछ ले तो क्या मार कर आएंगे, सारवां। अर्थात केवल मृत्युकालिक कथन के आधार पर अभियुक्त को क्या दी जा सकती है, सजा। अभी आगे बढ़िए, अब चला जाए भाई। अब ये आया कि सारवान साक्ष्य दिमाग में बैठाते रहिए। अगला यूपीजे का मॉडल देखिए। अगला शब्द है कि ऐसे कथन द्वारा वह अपने मृत्यु के कारण के बारे में बताया हो, इतना पर पहले आया जाए। अब आपका यूपीजे ने बनाया, बिहार में पूछ सकता है, रिपीट कर सकता है। कम मृत्युकालिक कथन माना जाएगा जब अपने मृत्यु के कारण के बारे में बयान दिया हो, दूसरे के मृत्यु के कारण के बारे में बयान दिया हो, कथन किया हो, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो हमने शब्द क्या लिखा था बताइए, स्वयं के मृत्यु के कारण के बारे में बताया हो कि दूसरे, अभी लिखा था मैं अपने की दूसरे, पकड़े रे पॉइंट, अपने की दूसरे तो अपने। अगर वह मर गया हो और मरने से पहले दूसरे के मृत्यु के कारण के बारे में बताया हो, तो वह किसी भी हाल में डीडी या डाइंग डिक्लेरेशन या मृत्युकालिक कथन नहीं माना जाएगा। ये पिछली बार यूपी जे ने बनाया था। अब अगला नियम आइए, अपने मृत्यु के कारण के बारे में बताया हो या उस संव्यवहार की परिस्थिति के बारे में बताया हो जिसमें उसकी मृत्यु हुई है, अर्थात उन हालातों के बारे में बताया हो, उन परिस्थितियों के बारे में बताया हो जिसमें उसकी मृत्यु हुई है, तो भले वे मृत्यु के प्रत्यक्ष कारण को न बताती हो, लेकिन वे कंडीशन या वह क्या बताता है, हालात, जिस हालात में उसकी क्या हुई मृत्यु, तो वे कथन भी धारा 32(1) में मृत्युकालिक कथन माने जाए। और इसी पर एक केस आता है, अच्छा, आपका पाकला नारायण स्वामी वर्सेज इम्परर, अच्छे से याद रखिएगा कौन सा केस आपको पढ़ना है। भाई दूसरा केस बताया जा रहा है, अभी तीन चार और केस बताया जाएगा। पीएन स्वामी, पाकला नारायण स्वामी वर्सेज इम्परर, इस केस को अंदर तक पढ़ना है। एमपी ओमपी तो काफी अंदर तक पूछता है इस केस को, देखिए अंदर तक कैसे पूछा जाता है। पहला पूछा जाता है कि पाकला कौन था, तो पाकला कौन था, तो पाकला पीथमपुर के दीवान के चपरासी कुर्री नकराजू का दामाद था। देखिए आपका बना दिया जाए, यही आपका वाक्य याद रखिएगा, भले समझ में न आए। पाकला कौन था, तो पीथमपुर के दीवान के चपरासी कुर्री नकराजू का दामाद था। दामाद मैंने कि एक को ससुर बना लिया जाए भाई, तभी तो दामाद जी आएंगे। एक ही लड़की हो गई बी, और बी से किसकी शादी हुई थी, सी की, और सी को हम क्या बना देते हैं, पाकला। पाकला नारायण स्वामी सी हो गए और ए कुरी नकराजू हो गए, कौन, कुरी नकराजू, और बी पाकला की पत्नी हो गई, यानी कि ये भी पूछा जाता है, ध्यान में रखिएगा। इसके बाद आपका रकम पूछी जाती है कि ये जो दाम जो ससुर जी थे अपने दामाद जी को कुछ उधार दिए थे, तो रकम कितनी दिए थे ये पूछा जाता है, और ब्याज पर कि बिना ब्याज के दिए थे, तो बताइए ब्याज पर दिए थे कि बिना ब्याज के, तो कितना परसेंट। देखिए हमें भी थोड़ा मिस कर रहा है भाई, नहीं 18 था कि 12, ये देखते हैं भाई, हमें बहुत शुरुआती दौर में देखना पड़ेगा, एक सेकंड भाई।
नहीं, अब कितना दिया था, क्या ये एमपी का मॉडल है उसको भाई बता ही दिया जाए, अब क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है। देखिए 18% 3000 रुपया दिया था। देखिए भाई आपका 3000 रुपया कुरी नकराजू ने अपने दामाद को दिया था और वह आपका 18% ब्याज पर दिया था। इस केस में देखिए होता क्या है, एक दिन कुरी नकराजू को एक लेटर प्राप्त होता है और उस लेटर में ये बातें लिखी रहती हैं कि ससुर जी आइए और अपनी बिटिया और दामाद से मिल भी लीजिएगा और अपना 3000 रुपया ब्याज सहित वापस भी लेते जाइएगा। तो कुरी नकराजू बहुत प्रसन्न हुआ और प्रसन्न होकर ये लेटर भी अपनी वाइफ को दिखाया और बताया कि मैं अपने बिटिया और दामाद से मिलने जा रहा हूँ। अब आइए, अभी कुरी नकराजू को 1% भी शक नहीं था कि उसकी हत्या हो जाएगी, लेकिन अब आइए कहानी को तब इसको देखा जाए। वह गया, उसकी हत्या हो गई, पाकला को हत्या के लिए दोषी भी ठहराया गया, तो आप लोग बताइए क्या कुरी नकराजू को जरा भी अंदेशा था कि हम जाएंगे तो मार दिए जाएंगे? नहीं। तो भारत में मृत्युकालिक कथन घटना के पूर्व किया था कि बाद में, बताइए तो, पूर्व किया था, आशंका थी कि नहीं? नहीं थी। और प्रत्यक्ष कारण तो मृत्यु का नहीं था, लेकिन जिस कंडीशन में पाकला की क्या हुई थी मृत्यु, उस कंडीशन से कुछ न कुछ क्या था रिलेटेड। तो पाकला जो, ये आपका कुरी नकराजू ने जो अपनी पत्नी से कहा कि दामाद जी के पास हम जा रहे हैं पैसे के लिए, बुलाए हैं, लेटर दिखाया, ये उसका मृत्युकालिक कथन माना गया और आपका पाकला को सजा दी गई, क्योंकि वह उस संव्यवहार की परिस्थिति से संबंधित था जिसमें कि उसकी क्या हुई थी मृत्यु। रटे रहिए। तत्पश्चात आपका जज का नाम पूछा जाता है, जज का नाम गलत ना हो, लॉर्ड एटकिन। तो पूछा जाता है कि पाकला नारायण स्वामी का केस किससे संबंधित है, बताइए, डीडी से। किस जज ने, आपका कौन सा जज था, लॉर्ड एटकिन, एटकिन पूछा जा चुका है, लॉर्ड एटकिन थे। और इसी केस में कन्फेशन या संस्वीकृति को भी परिभाषित किया गया। अब आगे चला जाए आपका, तो चाहे ऐसे व्यक्ति को कथन करते समय मृत्यु की आशंका हो या न हो और चाहे कार्यवाही सिविल हो या क्रिमिनल हो, ऐसा जो कथन है यह कथन क्या होगा, साक्ष्य में सुसंगत होगा। तो बताइए, कथन करते समय भारत में मृत्यु की आशंका हो, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, हो भी सकते हैं नहीं भी, भारत में ऐसा कथन किस कार्यवाही में सुसंगत होगा, सिविल की क्रिमिनल की, दोनों में, सिविल में मुआवजा पाने में और क्रिमिनल में क्या दिलवाने में दंड। अब आखिर मृत्युकालिक कथन, अब उत्तराखंड का फिर मॉडल देखिए, क्यों साक्ष्य में स्वीकार किया जाता है, तो ये भी उत्तराखंड ने पिछली बार बनाया कि मृत्युकालिक कथन एविडेंस में क्यों सुसंगत है, क्यों साक्ष्य में स्वीकार किया जाता है, तो निशेष्टि के आधार पर, आवश्यकता के आधार पर, एक लाइन याद करके जाइएगा, किस आधार पर, आवश्यकता के आधार पर। तो क्या आवश्यकता आन पड़ी है ऐसी, निशेष्टि आवश्यकता ऐसी आन पड़ी है कि जिस व्यक्ति का कथन है वह मिल नहीं सकता और वह तो ऊपर पहुंच गया, तो ऐसी दशा में यह आवश्यकता आन पड़ी है कि उसके पूर्वतन कथन को ही सही मान लिया जाए। तो रटे रहिएगा, किस आधार पर, ये उत्तराखंड में पूछा पिछली बार, आवश्यकता के आधार पर। अगला नियम आइए,
बहुत लंबा है, शॉर्टकट में ही पढ़ाए जा रहे हैं भाई, लंबा इतना है कि अब मैंने उतना पढ़ाया नहीं जा सकता, इस समय कंपटीशन के लिए ही केवल चल सकता है। अगला नियम आपको जानना है जो मृत्युकालिक कथन के बारे में, आवश्यकता पर तो तुरंत आपका याद रखे, मृत्युकालिक कथन क्यों स्वीकार किए गए हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि जो व्यक्ति खुदा से मिलने जा रहा है या भगवान से या गॉड से या भगवान से अपने, ये माना जाता है कि अंतिम समय में वह सत्य ही बोल कर जाएगा, अर्थात मरते हुए व्यक्ति के अधरों पर क्या होता है, सत्य का वास होता है। अतः इस आधार पर ऐसे कथनों को साक्ष्य में क्या किया गया है, स्वीकार। अब इंग्लिश विधि और भारतीय विधि में अंतर भी प्री में पूछा जाता है। आइए इंग्लिश विधि और भारतीय विधि में अंतर भी पूछा जाता है, तब केस 3-4 हम बताएंगे, क्योंकि थीसिस ऑफ डाइन डिक्लेरेशन पूछा गया था अभी उत्तराखंड में इसके पहले वाले में, लेकिन पहले भारतीय विधि और इसके बाद कहाँ बता दिया जाए इंग्लिश विधि। अब आप लोग बताइए कह करके भाई, भारतीय विधि के तहत आपका मृत्युकालिक कथन को जिस जो व्यक्ति मृत्युकालिक कथन कर रहा है, क्या उसको कथन करते समय मृत्यु की आशंका होना आवश्यक है कि नहीं, तो क्या बताया गया था, भारत में आवश्यक नहीं, यानी कि भारत में कथन करते समय मृत्यु की आशंका होना आवश्यक नहीं, लेकिन इंग्लैंड में, याद रखिए, इंग्लैंड में जब व्यक्ति कथन कर रहा हो तो मृत्यु की आशंका ही नहीं, प्रत्याशंका, फिर रटे रहिए एक शब्द, मृत्यु की केवल आशंका ही नहीं, आशंका पर काम नहीं चलेगा, बल्कि ऐसे व्यक्ति को मृत्यु की क्या होनी चाहिए, प्रत्याशंका, यही शब्द पकड़ना है, प्रत्याशंका मतलब कि पूर्ण आशंका, पूर्ण आशंका मने पूर्ण विश्वास, यानी कि जो व्यक्ति कथन कर रहा है इंग्लैंड में, आपका फिर याद रखे, उसे प्रत्याशंका या पूर्ण विश्वास, अर्ध नहीं, आशंका नहीं, यही सब पकड़ना है, पूर्ण विश्वास हो कि हम कथन करते समय कहाँ पहुँच जाएंगे, ऊपर। और तुरंत केस आइए, याद करिए, अगर आप नहीं जानते तो मैं बता ही रहा हूँ केस, आपका आर वर्सेज वेडिंग फील्ड, खूब लोग पढ़ते हैं धारा 6 में, फिर एक बार हम भी बता दें, आर वर्सेज वेडिंग फील्ड के बाद में जस्टिस काकबर्न थे। देखिए इसमें हुआ क्या, एक स्त्री का कमरे में गला काटा गया और वह आंगन में बाहर आकर अपनी चाची से कहती है कि ओ माय डियर आंटी, यानी कि खून की धारा बह रही थी, और उसी समय कहती है ओ मेरी प्यारी चाची, देखो वेडिंग फील्ड ने मेरी क्या दुर्दशा कर दी है, उसके बाद ऊपर पहुंच गई। अब कोर्ट में ये हुआ कि इसके कथन को डीडी माना जाए, तो जस्टिस काकबर्न ने देखिए क्या कहा, कि ये इंग्लैंड है और इस महिला के कथन को मृत्युकालिक कथन तभी माना जाता जाएगा जब कथन करते समय इसे मृत्यु की क्या हो, पूर्ण आशंका, नहीं भाई फिर वही समझा रहा हूँ, पूर्ण आशंका। और काकबर्न ने कहा कि जब अपने चाची से कह रहे थे, इसे आशंका तो थी लेकिन पूर्ण आशंका नहीं थी कि कथन करने के बाद मैं कहाँ पहुँच जाऊँगी, ऊपर, अतः इसे मृत्युकालिक कथन नहीं माना जाए। तो इंग्लैंड और बताइए भारतीय विधि उदार है कि इंग्लैंड की, हाँ अब ये भी पूछा जा रहा है कि कौन उदार है, ये आजकल ऐसा भी क्वेश्चन आ रहा है, उदार और कठोर। दूसरा अंतर देखिए, भारत में अब बताइए मृत्युकालिक कथन, दूसरा नियम आपका कब किया जा सकता है, घटना के पूर्व की घटना के बाद की दोनों, तो किस केस में घटना के पहले ही किया गया था, घटना बाद में हुई, अभी हम बताए, पाकला नारायण स्वामी।
तो बस याद रखिए दिमाग में। दूसरा अंतर, भारत में मृत्युकालिक कथन घटना के पूर्व भी हो सकता है और घटना के बाद भी, लेकिन इंग्लैंड में ऐसा कथन या आपका मृत्युकालिक कथन सदैव हमेशा घटना के बाद होना चाहिए। यानी कि इंग्लैंड भारत में पहले भी हो सकता है और बाद में भी, लेकिन इंग्लैंड में हमेशा कब होगा? पहले नहीं। दूसरा अंतर कंपटीशन के लिए याद रखिए। तीसरा अब अंतर आइए, आप लोग फिर बताइए, भारत में अगर जिंदा बच जाता था, अभी हम बताए थे, तो क्या उस कथन का कोई वैल्यू हमने बताया था कि नहीं? मृत्युकालिक कथन तो नहीं माना जाएगा, लेकिन अभी हमने बताया कि एविडेंस की धारा 145 के तहत किसके लिए, खंडन, और 157। हाँ, तो आप लोग बताइए, इंग्लैंड में अगर इंग्लैंड में नहीं मरा तो उसके कथन का कोई महत्व नहीं। तो इंग्लैंड में अगर भारत में जिंदा बच गया तो 145 एविडेंस और 157 काम कर जाएगी, लेकिन इंग्लैंड में अगर जिंदा बच गया और तो कथन पूरी तरह क्या हो जाएगा? बेकार। पता, तीसरा अंतर बताया गया। चौथा अंतर आइए, चौथा अंतर ये देखना है कि भारत में, ये बताइए, सिविल मामलों में ऐसा कथन सुसंगत होगा कि क्रिमिनल की दोनों? तो हमने क्या बताया था बताइए, तो सिविल की आपराधिक की दोनों। हाँ, ये दिमाग में बैठा रही है, भारत में सिविल और आपराधिक दोनों मामलों में ऐसा कथन सुसंगत होगा, लेकिन इंग्लैंड में ऐसा नहीं है। इंग्लैंड में केवल और केवल आपराधिक मामलों में ही ऐसा कथन क्या होगा? सुसंगत। फिर एक बार याद रखिए, भारत में सिविल और क्रिमिनल दोनों, और इंग्लैंड में केवल आपराधिक। अब अगला आइए भाई, भारत में आपका कह सकते हैं कि आपराधिक मामलों में, आइए, भारत में किस आपराधिक मामले में ऐसा कथन साक्ष्य में पेश किया जाएगा? आत्महत्या, उपेक्षापूर्ण मृत्यु, दुर्घटना, दहेज हत्या, हत्या और हत्या की कोर्ट में न आने वाला आपराधिक मानव वध, उपर्युक्त सभी। तो हमने क्या बताया था बताइए तो, हाँ, रटते रहे, किसमें? लेकिन इंग्लैंड में इतना लंबा चौड़ा नहीं है, इंग्लैंड में केवल दो अपराधों में, आपराधिक में भी, एक हत्या और एक हत्या की कोर्ट में न आने वाले आपराधिक। फिर एक बार इसको समझिए, क्योंकि कठिन है भाई, और यहाँ से कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनता है, दिमाग में बैठाइए, वो पोथी पतरा काम नहीं देगा अंत में, अंत में जहाँ ये जो भरा रहेगा वही काम देगा, और ये बड़ी धारा है, अभी तो खंड वन ही बताया जा रहा है। फिर एक बार देखिए भाई इस लास्ट पॉइंट को, भारत में किसी भी मृत्यु में, चाहे वो आत्महत्या हुई हो या हत्या या दुर्घटना, सभी मृत्युओं में ये कथन सुसंगत होता है, लेकिन इंग्लैंड में ऐसा नहीं है। इंग्लैंड में केवल और केवल किसमें रेलेवेंट होता है? तो आपका क्या जवाब रहेगा? हत्या और हत्या की कोर्ट में न आने वाले आपराधिक मानव। आत्महत्या नहीं, इत्यादि नहीं, दुर्घटना नहीं, याद रखिए। अब आइए, दो तीन केस अब पढ़ना है और केस याद रखना है। ये केस जो मैं बता रहा हूँ, ये आपका इस बार तो नहीं, इसके पहले उत्तराखंड ने बना रखा है। अब तक देखिए कौन कौन केस बताया गया, रटे रहिए। आपका क्वीन इम्प्रेस बनाम अब्दुल्ला का, कौन सा मुख्य न्यायाधीश था? पथरम। दूसरा पीएन स्वामी यानी कि पाकला नारायण स्वामी वर्सेज इम्परर का, इसमें कौन न्यायाधीश था? लॉर्ड एटकिन। तीसरा केस देखिए, कौशल राव वर्सेज स्टेट ऑफ बॉम्बे, कभी काल खुशाल राव भी लिखा जाता है, कौशल राव या खुशाल राव, देखिए याद नहीं आ रहा है, हिंदी में इस बार दिया था तो उत्तराखंड ने कौशल नहीं, शायद खुशाल राव लिखा था।
के कारण आपका खुशाल राव लिखा था उत्तराखंड ने हिंदी में, इस बार जो आया था तो खुशाल राव, अगर कौशल राव भी दे दे तो घबराना नहीं है। ओके एच के कारण आपका वो है खुशाल राव वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, और आपका ये 1958 का केस है। देखिए इस केस में खुशाल राव भाई इस केस को किस एंगल से पूछा जाता है। पहला एंगल ये बनता है कि भारत में सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में डाइन डिक्लेरेशन का सिद्धांत प्रतिपादित किया, मृत्युकालिक कथन का सिद्धांत यानी कि थीसिस ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन, तो कौन से केस मारेंगे, खुशाल राव। फिर कोटेशन आ जाता है और वह कोटेशन सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि मृत्युकालिक कथन साक्ष्य में इसलिए स्वीकार किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अपने निर्माता से अपने मुख में झूठ के साथ नहीं मिलेगा, यानी कि ऊपर पहुंचने ही वाला है तो अंततोगत्वा क्यों झूठ बोले, अब सत्य बोल कर ही जाए, जिंदगी भर पाप किया तो पाप का नाश हो जाए और अंत में क्या बोल दे सत्य, ये न्यायालय का मानना है। वैसे भी आजकल उल्टा नियम चल रहा है, अब घर वाले कह रहे हैं कि भाई मरना है ही आपको, तो भाई आपका जो मारा है उसका नाम न लेकर दूसरे का नाम मजिस्ट्रेट के यहाँ ले लीजिए ताकि वो जेल में चला जाए। ये भी जैसे कि मान लीजिए कि डावरी डेथ में भी ये बहुत ज़्यादा हो रहा है और लोग बोलने ही नहीं दे रहे हैं, देखिए पैसे के बल पर क्या होता है। मान लीजिए एक स्त्री जल गई, अब घर वाले भी आ गए और ससुराल वाले भर्ती कराए, अब ससुराल वाले ये सोच रहे हैं कि अगर बयान ये पुलिस या मजिस्ट्रेट को दे दी और एक्सपायर हो गई तब तो हम लोगों का बचना क्या हो जाएगा, मुश्किल, क्योंकि इसका कथन डीडी। और आपका कह सकते हैं घर वाले सोच रहे हैं माने उसके मायके वाले कि हमारी बिटिया जल्दी स्वस्थ हो और किन दुष्टों ने ये कारनामा किया उनका नाम ले, तो ससुराल वाले डॉक्टर को पैसा फेंकते हैं और डॉक्टर से कहते हैं कि आप ऐसा इंजेक्शन दीजिए कि होश में ही न आए, न बांस रहेगी और न बांसुरी, न तो होश में आएगी और न मजिस्ट्रेट और पुलिस को क्या देगी। तो कई ऐसे कांड होते हैं जहाँ की स्त्री मर जाती है और डॉक्टर भी कुछ पैसा कमा लिए और न्याय का गला क्या कर दिया गया, दबा दिया गया, तो अलग बात है भाई। अगला जो केस आपको देखना है, दो तीन और ये केस जरूर याद रखिए पूछा जाता है, इसके बाद आपका एक दो और केस देखना है। आपका कह सकते हैं दिलीप सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब का आ सकता है, दिलीप सिंह बस लिख लीजिए नोट्स में है। इसके बाद आपका शारदा विरधि चंद्र शारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य, ये भी केस पूछा जा चुका है। शारदा विरधि चंद्र शारदा वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, इसमें आत्महत्या कर ली थी, आत्महत्या हुई, आत्महत्या करिया और सुसाइड नोट लिखा तो भी डीडी मान लिया गया, आत्महत्या वाला केस है सुसाइड नोट। शारदा विरधि चंद्र शारदा आ चुका है ये केस, हाँ शारदा विरधि चंद्र शारदा वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसके बाद आपका जो पूछा जाता है अगला केस आपका ये रामनाथ माधव प्रसाद, इसमें भी सिद्धांत प्रतिपादित किया गया, रामनाथ माधव प्रसाद, हाँ इसमें पूछा जा सकता है ये रामनाथ माधव प्रसाद वर्सेज स्टेट ऑफ एमपी, स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, इसमें मृत्युकालिक कथन के बारे में विस्तृत तौर पर वर्णन किया गया, अब उतना बताना संभव नहीं है लेकिन याद रखिएगा खुशाल राव का। और ये हमें लगता है कि जो ये पांच छह केस बताए गए आपका आ जाना चाहिए जो भी पूछे। अगला देखिए भाई आपका 32 में और सात खंड है, उसको घर पर देखना है।
और एक एक लाइन हेडिंग वाइज याद रखिए, क्योंकि आपका हेडिंग वाइज पूछा जाता है कि कौन मिलान सही नहीं है, तो 32-1 में क्या है, 32-2 में क्या है, तो कुछ न याद करके घर पर एक एक लाइन किस क्लाज में क्या है ये रट्टा मारना है। अगला देखिए, 33 पढ़ना नहीं है, अब आइए धारा 34। देखिए आपका 34 से लेकर आपका ग्रुप बनाइए, पहले तो कंसेप्ट यहाँ पूछ लेता है, कंसेप्ट ही पूछ लेता है। 34 से लेकर 38 तक की धारा, यानी कि धारा 34 से लेकर और 35 तक में आपका ये विशेष परिस्थितियों में किए गए कथनों का वर्णन है। आइए मॉडल पहले बनाया जाए। विशेष परिस्थितियों में किए गए कथनों का उल्लेख कहाँ किया गया है, तो आपका जवाब रहेगा सेक्शन 34 से लेकर कहाँ तक, 38 तक, पहला क्वेश्चन। स्पेशल कंडीशन में, यानी कि विशेष परिस्थितियों में किए गए कथनों का वर्णन कहाँ है, तो पहला मॉडल बना लीजिए 34 से लेकर कहाँ तक, 38। दूसरा मॉडल बनता है कि विशेष परिस्थितियों में किए गए कथनों में से कितना पार्ट या भाग साबित किया जाएगा, तो कौन सी धारा है, 39। अर्थात 39 किन धाराओं के लिए बनी है, ये क्वेश्चन बन सकता है कि 39 किसकी पूरक धारा है। अलग मॉडल बनाइए भाई। विशेष परिस्थितियों में जो कथन किए गए हैं उनमें से कितना प्रूफ किया जाएगा कोर्ट में, कितना साक्ष्य में पेश किया जाएगा, सभी नहीं, उतना ही जितना रेलेवेंट हो, तो कौन सी धारा ये बताती है कि उतना ही साक्ष्य पेश करिए जितना रेलेवेंट हो, तो कौन सी धारा, 39। तो 39 धारा किसके लिए काम करेगी, पूरा एविडेंस के लिए कि 34 से 38 के लिए, 34 से 38। एक नया क्वेश्चन ये बन सकता है कि धारा 39 किसकी पूरक धारा है, नया क्वेश्चन बन सकता है, दे देगा 34 की, 35 की, 36 की, उपर्युक्त सभी की, क्या मारेंगे, उपर्युक्त सभी, यानी कि 39 में जो नियम बताया गया है, ये नियम मैं बता दूं, ये आपका याद रखे केवल और केवल 34 से लेकर कहाँ तक के लिए दिया गया है, 38 तक के लिए। यहाँ जो आपको सेक्शन याद रखना है 34, 35 और 38, कुछ भी ना याद हो तो तीन सेक्शन याद रखे, कौन कौन, 34, 35 और 38। 34 में प्राइवेट कारोबार और 35 में सरकारी कारोबार और 38 में विधि को कैसे साबित किया जाएगा, तो एक दो उदाहरण पहले देखिए, धाराओं में दम नहीं है, उदाहरण में ही दम है ज्यादा। मान लीजिए ए एक बही खाता रखा है, मैंने अपना बही खाता मतलब क्या, अकाउंट में डेली बाय डेली अपडेट कर रहा है। ए ने लिखा कि बी को हमने 500 रुपये का उधार दिया, सी को 500 का दिया, 1 तारीख को, फिर 2 तारीख को लिखा, 3 तारीख को, और पूरा 100 पेज क्या किया, भर दिया। अब समस्या न्यायालय में विवाद ये उत्पन्न हुआ कि ए ने बी को कितना पैसे का सामान उधार दिया। अब आप लोग बताइए, अगर 39 धारा नहीं रहती, 39, तो ऐसी दशा में न्यायालय पूरा बही खाता एक एक पेज पलटता, लेकिन 39 कहती है कि पूरी डायरी से मतलब नहीं है, हमें उस डायरी के एक पन्ने से मतलब है जिसमें कि ए ने ये अपने बही खाता यानी कि अकाउंट में या बही खाते में या लेखा पुस्तिका में लिखी है कि ए ने बी को कितना धन उधार दिया। तो ये कौन सी धारा बताती है कि पूरा बही खाता नहीं बल्कि जितना भाग विवादक या सुसंगत से जुड़ा है बही खाते का केवल उतना भाग ही साक्ष्य में सुसंगत होगा। तो
तो ये कौन सी धारा बताती है? 39। कौन सी धारा? अब आइए थ्वाबिद की पुस्तक में देख लिया जाए। अब FIR है, तो FIR तो डेली सैकड़ों थाना लिख रहा है, तो क्या पूरा FIR प्रस्तुत करेंगे? नहीं। जो न्यायालय में आपका विवादक है, सुसंगत है, जो विवाद चल रहा है, वह FIR। तो ये कौन सी धारा बताती है? 39। अब किताब देखिए। अब मान लीजिए कि ऑल इंडिया रिपोर्टर छपती है, यानी कि AIR। अब AIR तो भाई बहुत मोटी मोटी है, तो क्या पूरा अब एक केस का जिक्र करना है और पूरा AIR पढ़ा दीजिए, तो कोई मतलब है? तो कौन कहती है धारा कि पूरा AIR नहीं, जिस केस में फाइंडिंग को लेकर विवाद है या जो केस प्रस्तुत करना चाहते हैं वही पेश करिए, पूरा आपका AIR न बताइए। तो वकील साहब पन्ना लगाए रहते हैं और जूनियर से कहते हैं कि जल्दी 4 कापी है, क्या करो, फोटो स्टेट करा के लाओ, ताकि लिए भी रहो हाथ में, क्योंकि जज साहब पूछेंगे तो पेज नंबर बताना पड़ेगा और तुरंत उनको 1 कापी क्या करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी कि जो हम बात कह रहे हैं AIR इस सन के वॉल्यूम नंबर इसमें इस पेज पर इस पैराग्राफ में ये बातें क्या हैं। तो बताइए AIR क्या जो विध की पुस्तकें हैं वो विध की पुस्तकें सुसंगत होंगी आपका 38 में, तो क्या पूरा पोथी पत्रा ले जाएंगे कि 4 कापी? तो 4 कापी ले जाएंगे, तो कौन सी धारा कहते हैं कि वही 4 कापी ले जाइए? 39। यानी कि 34 से लेकर 38 तक में जो विशेष परिस्थितियों में स्टेटमेंट दिए गए हैं उनका कितना भाग साबित किया जाएगा, ये कौन सी धारा बताती है? 39। तो 34 से 38 के लिए कौन बनी? 39। अब धाराओं में दम नहीं है, देखिए धारा समाप्त हो जाए यहाँ तक, ताकि कल लास्ट रहेगा एविडेंस का लेक्चर। लेखा पुस्तकों की प्रविष्टियाँ, इनके अकाउंट की प्रविष्टियाँ जिनमें वे शामिल हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखा गया है, कब सुसंगत होगी? तो कारोबार के अनुक्रम में नियमित रूप से रखी गई, तो वह लेखा पुस्तक कारोबार के अनुक्रम में रखी गई हो, नियमित रूप से रखी गई हो, आपका कह सकते हैं चाहे मैंने कागज रखा गया हो या आजकल कंप्यूटर में लोग कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख जोड़ा गया, यानी कि किस में? कंप्यूटर में लिखा गया हो। जब कभी वे ऐसे विषय का निर्देश करती हैं जिससे न्यायालय को जांच करनी है, सुसंगत है, तो अकाउंट की बातें सुसंगत होगी कि विसंगत? सुसंगत। आइए, किंतु अकेले ऐसे कथन ही किसी व्यक्ति को दायित्व से भारित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं होंगे। इसका यही वाक्य याद करना है। देखिए धारा 34, प्राइवेट कारोबार के अनुक्रम में बही खाते या अकाउंट या लेखा पुस्तिका में एंट्री की गई बातों का उल्लेख करती है, यानी कि वह डायरी हो या कापी हो, जिल्द वाइज हो, हमारे जैसे बिखरे पन्ने नहीं, जैसे हम बिखरे पन्ने लाते हैं और उसी से पढ़ाते हैं, तो वह लेखा पुस्तिका नहीं है। इसका उदाहरण 2-3 पहले बताया जाए, लेखा पुस्तिका और बिखरा हुआ पन्ना, तब एविडेंशियल वैल्यू। जैसे मोदी जी के खिलाफ आपका प्रशांत भूषण चले गए सुप्रीम कोर्ट और कहे कि रिलायंस कंपनी ने, यानी कि अंबानी ने, मोदी जी को गुजरात चुनाव में इतना रुपया दिया, तो हुआ कि क्या साक्ष्य है? तो एक आपका पन्ना लाए थे, फोटो स्टेट। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर इस पन्ने को हम स्वीकार कर लें तो क्या ये रेलेवेंट होगा? भाई कहीं बही खाता में नहीं, अगर किसी अकाउंट में हो या किसी लेखा पुस्तिका में हो तो बताइए। और दूसरी बात ये बताइए कि क्या केवल अकाउंट में लिख देने से हम मैंने ये साक्ष्य पर्याप्त हैं? तो नीचे अभी लाइन बताएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने SIT गठित करने से इनकार कर दिया और कहा कि और साक्ष्य लाइए, केवल ये जो बिखरे हुए पन्ने ला दिए हैं वो भी साफ दिख नहीं रहा है,
इससे हम पीएम के खिलाफ जांच का आदेश नहीं। उसके बाद बौखलाए, वो प्रशांत भूषण, वो अलग बात है कि बौखला गए कि हमारी बात सुप्रीम कोर्ट ने नहीं सुना, वो अलग बात है। इसके बाद आपका सबसे महत्वपूर्ण जो आया, जैन हवाला डायरी, सुने होंगे आपका, फिर बता दिया जाए, यानी कि होता है ना कि जब जब दूल्हे, यानी कि जब जब किसी लड़के को आपका ये हुआ कि अब इसका विवाह हो जाएगा, तब तक कुछ न कुछ आफत आ गई, होता है ना, और बेचारा बुढ़ापा हो गया और क्या रहा, कुंवारा, यही आपका नियम है। तो कई लोगों के साथ भी घटनाएं घटती हैं, जैसे विवाह होने के हुआ होगा कुछ न कुछ दुश्वारियां आ जाती हैं। उसी प्रकार हमारे अडवाणी जी हैं और इन्हीं का हवाला जैन डायरी, बंधु याद रखे, जैन डायरी केस भी 34 में आता है। देखिए इसको एक लाइन बताना पड़ेगा आपका, जैन बंधुओं ने एक से एक डायरी बरामद हुई, उसमें शॉर्टकट में नाम लिखा गया था, उसमें आपका LKA लिखा गया था और लोगों का नाम था, तो उनका कह सकते हैं कि CBI जांच हुई, CBI ने सब कुछ किया, अब न्यायालय ने ये पूछा कि ये बताइए धारा 34 क्या कहती है कि भाई जो लेखा पुस्तकों की प्रविष्टियां हैं ठीक हैं, साक्ष्य में रिलेवेंट होगी, लेकिन निचली लाइन सबसे महत्वपूर्ण है, अकेले ही किसी व्यक्ति को दायित्व से भारित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं होगी, यानी कि केवल लेखा पुस्तिका में एंट्री कर देने से किसी को सजा नहीं दी जा सकती, अर्थात अन्य साक्ष्य की क्या पड़ती है आवश्यकता, और CBI अडवाणी और इत्यादि लोगों के खिलाफ अन्य कोई साक्ष्य नहीं ले ला पाई, तो बाइज्जत ये लोग अंत में क्या हो गए, बद। फिर आया PM बनने का मौका, तो भाई वाजपेयी जी बन गए, अडवाणी को आगे करना चाहिए, फिर मौका आए तो ये मोदी जी आगे आ गए, अडवाणी फिर नाराज हो गए और PM तो नहीं बने। जब राष्ट्रपति का मौका आया और लोग अनुमान लगा रहे थे 99% कि अब अडवाणी जी का कल्याण हो जाएगा, चलिए कुछ नहीं पाए तो प्रथम पद पा जाएंगे देश का, कौन सा प्रथम नागरिक होता है कौन, तो मोदी जी ने UP चुनाव को देखते हुए तुरंत आपका कह सकते हैं कि यही यानी किसी को आ जाता है तुरूप का पत्ता फेंका और राज्यपाल को उठाकर बिहार से कोविंद जी को और कहाँ बैठा दिया राष्ट्रपति पर, अडवाणी अभी भी क्या किए भाई, बेचारे रह गए, अब क्या बनेंगे, मार्गदर्शक मंडल में डाल दिए गए, सबको अपना सम्मति दीजिए, अपना बुद्धि का क्या करिए प्रयोग करिए, सबको सलाह दीजिए, यानी कि कुल मिलाकर साक्षिक नियम क्या है ये बताया गया, फिर लीगल भाषा में समझिए, जैन हवाला डायरी याद रखिएगा इसी से। आखिर जो लेखा पुस्तिका में ये लिखा गया कि ए ने अपने अकाउंट में लिखा बही खाते में कि हमने बी को 500 रुपया उधार दिया है, तो क्या केवल इस लिखने के आधार पर ए के पक्ष में फैसला हो जाएगा, नहीं, और भी कुछ साक्ष्य ए को क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, क्योंकि निचली लाइन महत्वपूर्ण है, वही शब्द याद करके जाना है कि लेखा पुस्तकों की प्रविष्टियाँ अकेले ही किसी व्यक्ति को दायित्व से भारित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं मानी जाए, यानी क्या बताइए, ये न देकर दे दे कि लेखा पुस्तकों की प्रविष्टियां संपोषक साक्ष्य होती हैं, सारवान साक्ष्य होती हैं, साक्ष्य नहीं होती इनमें से कोई नहीं, तो आप लोग बताइए कौन सा साक्ष्य, हाँ अभी बताया गया मृत्युकालीन कथन में संपोषक की सारवानी होगा, संपोषक यानी क्या, अन्य साक्षियों का क्या करेगा सपोर्ट, तो लेखा पुस्तिका याद रखनी है, क्वेश्चन बनता है और उदाहरण भी एक बता दिया गया आपका। दूसरा ये धारा 35 एक लाइन पढ़ना है, लोक कर्तव्य में यानी कि जितने सरकारी कर्मचारी हैं अपनी ड्यूटी के दौरान जो भी बातें लिखते हैं वे बातें साक्ष्य में सुसंगत होगी, तो आप लोग FIR ही बता दीजिए NCR, FIR
लोक अधिकारी लिखता है कि प्राइवेट कर्तव्य में कि सरकारी कर्तव्य में, सरकारी कर्तव्य में कौन लिखता है, लोक अधिकारी कि हम लिखते हैं, तो लोक अधिकारी लिखा सरकारी कारोबार के अनुक्रम में, तो FIR किस धारा में सुसंगत होगा, आपका 35 में पोस्टमार्टम भी सुसंगत, यानी कि बस एक लाइन, सरकारी कर्मचारी जितनी बातें सरकारी दस्तावेजों में क्या करते हैं, एंट्री करते हैं, वे बातें कहाँ सुसंगत हैं, तो आपका 35 में 36-37 छोड़ दीजिएगा, 38 आ जाइए। पिछली बार UPAPO 2015 में पूछा गया है कि विदेशी विधि को कैसे साबित किया जा सकता है, तो 38 का एक लाइन दो लाइन डायरेक्ट है, देख लिया जाए तब भाई आपका बता दिया जाए। देखिए 38 भाई, विधि की पुस्तकों में अंतर्विष्ट किसी विधि के कथनों की सुसंगति, जबकि न्यायालय को किसी देश की विधि के बारे में राय बनानी हो, अर्थात इंग्लैंड का क्या कानून है, आपका अमेरिका का क्या कानून है, जैसे कि आपका 377 यानी कि जो आपका समलैंगिकता थी उस पर किस देश का क्या कानून है, ये पूरा बहस की गई, याद रखिए बहस किया जाता है, जैसे 497 है जार कर्म, उस पर भी बहस होती है, सुप्रीम कोर्ट में दिखाया जाता है किस देश में ऐसा कानून है। तो फिर एक बार देखिए, जबकि न्यायालय को किसी देश की विधि के बारे में राय बनानी है, तब ऐसी विधि का कोई भी कथन जो ऐसी पुस्तक में अंतर्विष्ट है जो ऐसे देश की सरकार के प्राधिकार के अधीन मुद्रित या प्रकाशित है, और या कह सकते हैं कि ऐसे देश के न्यायालय के विनिश्चय जिस पुस्तिका में छपे हैं वह किताब पेश कर दीजिए, या वह पुस्तिका हम क्या करेंगे पेश, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि एक उदाहरण देखिए, अगर भारत में इंग्लैंड का क्या नियम है ये भारत में साबित करना हो, तो यही क्वेश्चन बना था कि फॉरेन लॉ को विदेशी विधि को कैसे साबित भारत में किया जाएगा, तो एक तो धारा 38 के तहत और दूसरा तरीका क्या है, धारा 45, उपर्युक्त दोनों इनमें से कोई नहीं, तो क्या मार कराएंगे, उपर्युक्त दोनों। धारा 45 के तहत जो इंग्लैंड की सरकार ने जो वह किताब कानून की छपवाई थी, वह किताब लाकर कहां पेश कर दीजिए, भारत में, या इंग्लैंड के न्यायालय के निर्णय हैं तो इंग्लैंड के जिस पत्रिका में वह निर्णय क्या हुए होंगे, छपे होंगे, वह पत्रिका लाकर कहां पेश करिए, भारत के न्यायालय। ये पहला तरीका है जहाँ कि हम विदेशी विधि को क्या कर सकते हैं, साबित। और दूसरा तरीका, आपका धारा किस में दी गई है, 45 में, एक्सपर्ट ओपिनियन यानी कि विशेषज्ञ की क्या लेकर, राय। तो बताइए 2015 UPAPO का है, बिहार भी आ सकता है, विदेशी विधि को कैसे साबित किया जाएगा, तो धारा 38 के तहत उस देश की पुस्तक पेश करके, और धारा 45 के तहत एक्सपर्ट ओपिनियन, दोनों इनमें से कोई नहीं। हमने कितने तरीके बताए, दो, और ये 2015 UPAPO में आ चुका है, गलत ना हो दोनों। इसके बाद लास्ट आज का लेक्चर 39 देखा जाए, क्योंकि कल लास्ट रहेगा, परसों से संविधान लगेगा भाई, क्योंकि संविधान बहुत महत्वपूर्ण रहेगा APO में, और कम से कम 25-26 दिन क्या किया जाए, दौड़ा कर पढ़ाया जाए। तो आगे देखा जाए आपका 39 में बता ही चुका हूँ कि जो 38 से लेकर और आपका जो मैंने 34 से लेकर 38 तक की बातें हैं, इनमें से कितनी बातें न्यायालय में पेश की जाएंगी, तो क्या सभी बातें नहीं, जो सुसंगत या क्या हो, विवादक हो, फालतू बातों को क्या करेंगे, तो कौन सी धारा इन मैंने 34 से लेकर 38 की एरिया को सीमित कर देती है, 39। 39 की एक और विशेषता है, यह प्रतिस्थापित धारा है, उत्तराखंड ने बनाया, और किस सन में, मैं लिखवा चुका हूँ सन 2000 में, अब कब से लागू हुई,
फिर यूपी एपीओ का क्वेश्चन कब से लागू हुआ, हाँ किस सन में प्रतिस्थापित किया गया, सन 2000 किस कानून द्वारा, आईटी एक्ट द्वारा। सबसे व्यापक संशोधन एविडेंस में किस सन में हुए, 2000 सबसे ज्यादा। और सबसे पहला संशोधन यूपी एपीओ ने बनाया 1938। कौन सी धारा निषिद्ध है, दो। कौन अवैध है, धारा 113। किस केस में बताया गया था, आपका दामोदर गोवर्धन। भाई रट कर आइए, अब वैसे ही चलेगा, मैंने पर प्रयास ये किया जाएगा 2-4 दिन में कि 50 क्वेश्चन बना बताया जाए, ताकि दिमाग में हमेशा ऐसे भूत नाता रहता है ना पागल के दिमाग में, वैसे ही आपके दिमाग में इस समय धाराएं, मैं बता दूं, नाचनी चाहिए 1 माह तक, उसके बाद भले भूल जाइए। अगर आप चाहते हैं कि बिहार फतह किया जाए, और भाई हमें आशा है, नहीं पूर्ण विश्वास है कि जो लोग पढ़ रहे हैं उनका रुकेगा नहीं, ये पूर्ण विश्वास है, इतना पढ़ लें तब। तो कल क्लास भाई एविडेंस का लास्ट क्लास रहेगा, उसके बाद